वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वी टेक राइट हैंड साइड, अब आपने क्या करना है, x को पुट करने है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करने है, जिससे कि ये बाहर साइन इनवर्स है कि हमारा फॉर्मूला साइन में बन जाए। आपने जिससे कि देखो साइन इनवर्स है बाहर, अगर साइन आएगा तो साइन से साइन कट गया, x बचा, ये हमने प्रॉपर्टी की है। तो साइन इनवर्स बाहर है तो हमें सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस का फॉर्मूला बनाना है, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाना है। तो ये साइन इनवर्स तो साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो हम एक्स को क्या पुट करें कि साइन का फॉर्मूला बने, तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो दिस इंप्लाइज पहला वेरिएबल हमारा एक्स था, नया वेरिएबल आ गया थीटा, तो यहां से हम थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है बेसिक में, इससे पहले मैं दो वीडियो में बता चुका हूं पूरा डिटेल में। साइन, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई हो जाता है। अगर साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स है तो साइन इधर आ जाएगा, यानी कि वाई क्या बन जाएगा, साइन एक्स। इसे मैंने पूरे डिटेल में बताया है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन हो, कोस हो, टेन हो, सभी के लिए, ठीक है। तो थीटा आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो 3 थीटा, थीटा हमारा देखो कहां पे है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वी टेक राइट हैंड साइड, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। वही हमने ऐसा फंक्शन पुट करना है जिससे कि जो ब्रैकेट का जो हमारा फंक्शन बने कोस में आए, तो पुट एक्स इक्वल टू कोस थीटा। तो दिस इंप्लाइज थीटा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कोस इनवर्स एक्स। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या होगी, कोस इनवर्स 4x क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस 3 थीटा का। तो यहां पे क्या बचा, कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होगा, 3 थीटा। थीटा हमारा क्या है यहां पे, कोस इनवर्स एक्स, कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रूव टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। देखिए टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। तो क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस y 7/24 1 माइनस x इंटू वाई। समझ आ रहा है, देखिए अब
एलसीएम लेंगे, 11 और 24 का एलसीएम कितना आएगा भाई? ऐसा करें आप 11 और 24 को एचडीसी लिख लें, जो भी एलसीएम आएगा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 11 से डिवाइड किया 11 24 कितना आएगा? 48। 24 से डिवाइड किया बचा 11, 77 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 24 आ गया एलसीएम। तो 11 मल्टीप्लाई 24 अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 44 कर दूं भाई, 264 माइनस 14। अब ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बना हमारे पास 125। देखो ये कट गया ना 1124, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250। और दिस इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया 10 इनवर्स 1 बाई 2। कौन सी साइड है? दिस इज राइट हैंड साइड, हमने ये प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31 बाई 17। देखिए टेक लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए ये 2 tan इनवर्स x है, अगर हमारे पास 2 नहीं होता तो हम जैसे पहले क्वेश्चन थर्ड में किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे थे, बट यहां पे 2 है तो हम इसको 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स x आपको बता दूं एक साइन इनवर्स में होता है, एक कोस इनवर्स में होता है और एक tan इनवर्स में होता है। साइन इनवर्स में क्या होता है 2x / 1 - x की स्क्वायर, कोस इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, और टेन इनवर्स में होता है 2x ओवर सॉरी प्लस होता है वहां पे, यहां पे माइनस होता है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम टेन इनवर्स में लाएंगे तभी तो हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। दिस इज टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, अगर टेन इनवर्स 1 बाई 7 हमने कौन सा यूज किया ये तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x की स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स या 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7। tan इनवर्स 1 में से 1 माइनस 1 बाई 4 माइनस करेंगे एलसीएम ले सकते हो आप, कितना आ जाएगा 3 बाई 4। समझ आ गए यहां तक? कोई दिक्कत? देखिए इधर ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4 बाई 3 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होगा हमारा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला यूज कर देता हूं, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो क्या बना हमारा tan इनवर्स, देखें x क्या हमारा 4 बाई 3, y कितना 1 बाई 7। और 1 माइनस एक्स इंटू वाई ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इस पे, ठीक है दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम कितना आ गया 25 कितना 28 प्लस 3 एलसीएम 25 21 माइनस 4 टेन इनवर्स 21 तो कैंसिल हो गया 31 बाई 17। कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड।